तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि थ्री ब्लॉक्स हैं, अब मास M1, M2, M3 आर शोन इन फिगर, टेंशन T3 की वैल्यू दिया हुआ है, M1 और M2 दिया हुआ है, T2 की वैल्यू निकालना है, टेंशन T2 इस वाले स्ट्रिंग में। तो अगर देखोगे यहाँ पे तीन ब्लॉक है, एक बार मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ आपको, तो ये तीनों ब्लॉक्स जो है अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और ये तीनों को जो पुल करा आगे वो टेंशन T3 कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 न्यूटन, और मास M1 जो है वो 10 kg का है, और ये 6 kg का है, और ये 4 kg का है, ऐसा बताया जा रहा है एग्जाम, ऐसा डायग्राम में बताया जा रहा है। देखो अब जब स्मूथ सरफेस पे है, कहीं कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो पूरा का पूरा सिस्टम एक्सलेट कर जाएगा आगे, एक्सलेशन ए से यार। तो सबसे पहले मैं एक्सलेशन यही निकाल लेता हूँ, तो इस पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूँ। लेट अस सपोज द सिस्टम इज ए सिंगल सिस्टम, ये टोटल मास एम है और सभी ब्लॉक को मर्ज कर दिया, सिंगल सिस्टम एज्यूम कर लिया, तो इस पे बाहर से फोर्स टी लग गया, ठीक ना। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू बाहर से फोर्स एफ लग गया, जो कि टी के बराबर है, और तीनों ब्लॉक ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो फोर्स लगा इस पे बाहर से 40 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो गया, तो यहाँ से देखोगे 10 + 6 + 4, ठीक है ना, तो 16 और 20, 20 और 2 m/s² तो ये आ जाएगा एक्सलेशन, ये आ जाएगा, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 m/s² आ जाएगा ये वाला। तो अगर ये 2 m/s सारे एक्सलेट हो रहे हैं, तो देखो T1 निकालना आसान है, लेकिन T2 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो T2 इस वाले ब्लॉक से निकालोगे तो एक अननोन वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, T1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक से निकालोगे तो आसान है, इस वाले ब्लॉक का 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस पे T2 इधर लगेगा, और इसका बनाओगे तो इस पे T2 इधर लगेगा, और इस पे T3, तो 4 kg वाले ब्लॉक से निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। तो ये 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी, इधर लगा 40 न्यूटन, इधर लगा T2, ठीक है ना, और उसे ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इधर लगा, mg इधर लगी, और ये जा रहा है इधर ए एक्सलेशन से। तो इक्वेशन बना 40 - T2 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो 40 - T2, एक्सलेशन पहले ही निकाल चुके थे 2 8, तो ए आ जाएगा 40 - 8 इज इक्वल टू T2, मतलब T2 की भी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32 न्यूटन, ठीक है ना। आप यही चीज़ 6 kg वाले से लिखोगे तो आपको एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, T1 अननोन आ जाएगा, तो प्रोसेस लंबा थोड़ा चला जाएगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हो। अभी मेरे चैनल पे बने रहना, अभी वो ट्रिक मैं अपलोड करूँगा।